हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग तो जान ही रहे हैं, कुछ दिनों से मैं मायके में हूँ और 3-4 दिन से, मतलब मुझे आज तीसरा दिन हो गया, आज 4 दिन हो गया समर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कातिल है कौन, क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जो भी मीडिया पे मतलब चल रहा है, देखने में तो हकीकत ही लग रहा है दोस्तों। और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मर्डर किसने किया है, किसने नहीं, अभी तक साबित नहीं हो पाया। एक माँ बिलख रही है, खुशी तो उसे होगा उस माँ को कि कातिल पकड़ा गया, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है कि कातिल है कौन। पता नहीं उसके पास, उसके पीछे कोई साजिश है या कोई मजाक चल रहा है। अभी किसी और के साथ, किसी अमीर के साथ, अमीर बच्ची के साथ ऐसा हुआ होता तो अभी तक सज़ा मिल चुकी होती। जो भी होना सा गैर बगैर, जो भी अभी तक सज़ा भी सुनाया गया होता। बेचारी एक माँ हो के लड़ी है। कहा जाता है माँ से बढ़ के कोई हमें इस दुनिया में नहीं समझ सकता। माँ ने हिम्मत नहीं हारा और माँ लड़ रही है अकेले। उसके बाद उसके पीछे कितने लोग तो उसको छिपाने की कोशिश करने के बाद, दोस्तों जो भी मतलब डेंजरस जो भी सिचुएशन था, उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि मर्डर, मतलब खुद आत्महत्या की हैं। देखने में तो लग ही रहा कि उनका हत्या किया गया है, क्योंकि कोई भी फांसी दोस्तों बैठ के तो फांसी नहीं लगा सकता। बात यही चारों तरफ चल रही है। हम भी भगवान से यही दुआ करते, जो भी कातिल हो उसे सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि आज अगर उस कातिल को सज़ा नहीं मिलेगी तो आने वाली पीढ़ी में कभी भी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है और एक माँ बिलखती रह जाएगी। उनकी माँ इतना रो रही है, माँ को देख के कलेजा एकदम फट जा रहा है दोस्तों। बहुत अजीब लगता है। भगवान से जब भी हम देखते तब भी यही कहते हैं कि वो माँ, सज़ा तो उस कातिल को मिल जाएगा बस, लेकिन वो माँ जब तक जिंदा रहेगी, जब तक मतलब जो भी वो रहेगी, तब तक वो कुल जिएगी दोस्तों। उस माँ का दर्द कोई नहीं कभी कम कर पाएगा, क्योंकि बचपन से ले के इतना, मतलब इतना बड़ा कर दी उस माँ ने, उसके ऊपर क्या बीत रही है एक माँ ही समझ सकती है। अपने बच्चे से जो भी दूर होता है ऐसा ही होता है दोस्तों। मुझे देख के इतना अजीब लग रहा है कि क्या, काश हम लोग के बस में होता उस माँ का दर्द मतलब हटा सकते, लेकिन क्या कोई कर सकता। बस भगवान से यही दुआ करेंगे, हे भगवान उस माँ को शक्ति दें, सहने का शक्ति दें, हिम्मत दें। बाप रे बाप, ऐसा सिचुएशन भगवान किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। बहुत दुखद घटना हो दोस्तों। आज भी हम लोग रिकवर नहीं हो पाते हैं कि ये सब हो चुका है, ऐसा लगता है। देख रहे हैं भगवान से यही हमेशा कहते हैं, काश ये सपना होता, सच ना होता, बेचारी वापस आ जाती। लेकिन कहा जाता है बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, हमेशा बिगड़ता ही जाता है। तो दोस्तों बस यही कहेंगे, हमें ज़िंदगी, पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी। हंस खेल के हम लोग को साथ में रहना चाहिए, कभी किसी को देख के जलिए नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी कब ख़त्म हो जा रही है, बाप रे बाप, कोई किसी को बता नहीं सकता है। ज़िंदगी पता नहीं कब क्या लिखा हुआ है। बस यही कहेंगे, सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो भी कातिल है भगवान से दुआ कीजिए जल्दी से जल्द कातिल को सज़ा मिले, बस यही विनती करते। लेकिन हाँ, बेगुनाह को सज़ा ना मिलना चाहिए, ये भी तो गलत होगा। लेकिन जो गुनाह किया है उसको तुरंत फांसी ही होनी चाहिए, बस यही। क्योंकि आने वाली पीढ़ी में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो सब लोग जितने भी मतलब ऐसे दरिंदता फैला रहे हैं जो भी हैं, किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो बस यही आप लोगों से कहना था और कुछ नहीं। बस सतर्क रहिए, खुद को बचाइए, माँ बाप का दिल भी मत दुखाइए। अगर क्या ही कर सकते हैं, आप लोग तो समझदार हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मन उदास था तो आप लोगों को बताएं, और क्या ही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।